कि ना वो कलम रखता है ना वो किताब रखता है, फिर भी मेरा भगवान पूरी दुनिया का हिसाब रखता है। हेलो दोस्तों, एक बार की बात है, एक बूढ़ा आदमी अपने पोते से मिलने के लिए अपने गांव जा रहा था, तो बस में अचानक उसका पर्स गुम हो गया। उसने कंडक्टर से पूछा कि क्या तुम्हें मेरा पर्स मिला? कंडक्टर ईमानदार आदमी था, उसने बोला हाँ मिला है, लेकिन मैं कैसे मानूँ कि ये तुम्हारा ही है? तो बूढ़े आदमी ने बोला कि इसमें भगवान की फ़ोटो लगी है। तो कंडक्टर बोला कि भगवान की फ़ोटो तो हर किसी पर्स में होती है। तो बूढ़े आदमी ने बोला कि इस पर्स के ऊपर एक कहानी है, मैं तुम्हें सुनाता हूँ, कि मेरे पापा ने खरीद के ये मुझे दिया, मैंने इसमें पहले अपना फ़ोटो लगाया, फिर मेरी शादी हो गई, फिर मैंने अपनी वाइफ का फ़ोटो लगाया, फिर मेरे बच्चे हो गए, फिर मैंने अपने बच्चे का फ़ोटो लगाया, और फिर मेरे बच्चे मुझे छोड़ के चले गए, फिर मैंने भगवान का फ़ोटो लगाया, फिर मुझे पता लग गया कि इस दुनिया में भगवान के सिवा कुछ नहीं है, और अब मैं अपने पोते से मिलने के लिए जा रहा हूँ। जब ये बात कंडक्टर ने सुनी तो उसने उसका पर्स दे दिया। इस छोटी सी कहानी में इससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है, अगर आप ऊपर वाले को साथ में लेके कुछ काम करेंगे तो नीचे वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जय हिंद।